नमस्ते दोस्तों, आरटी 2024-25 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि मैंने आरटी की जो वेबसाइट है उसी से डाउनलोड किया है। मैं अभी आपको जो सारी बातें बता रहा हूँ आरटी 2024-25 के लिए, महाराष्ट्र के लिए बता रहा हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है वो आरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन 22/2/2024 को आया हुआ है, जिसमें कि उन्होंने सिर्फ अभी एज क्राइटेरिया बताया हुआ है। अभी जो एज क्राइटेरिया है 2024-25 के लिए, वो चार क्लासेस के लिए एडमिशन होंगे। उसमें से पहला है प्ले ग्रुप और नर्सरी, जैसे कि हम प्ले ग्रुप नर्सरी जो भी बोलते हैं वो। अभी ये जो एज आपको डिफाइन करनी है, इन्होंने दो डेट दिए हुए हैं, 1 जुलाई 2020, 31 दिसंबर 2021। अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट के बीच में होती है, जैसे कि आपके बच्चे का जन्म 1 जुलाई 2020 के बाद का होना चाहिए और 31 दिसंबर 2021 के पहले का होना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट ये दो डेट के बीच में आपके बच्चे का जन्म दिनांक होनी चाहिए। उसके लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली एज आता है 3 साल कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरा है जूनियर केजी मतलब एलकेजी के लिए। जूनियर केजी के लिए आपके बच्चे का एज होना चाहिए, बर्थ डेट होना चाहिए 1 जुलाई 2019 के बाद और 31 दिसंबर 2020 के पहले, यानी कि वो होता है 4 साल। और सीनियर केजी मतलब यूकेजी के लिए आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2018 के बाद और 31 दिसंबर 2019 के पहले की होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्लास फर्स्ट के लिए हम लोग तो ज़्यादातर एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल में क्लास फर्स्ट से ही चालू होता है आरटीई का। तो आरटीई का क्लास फर्स्ट के लिए आरटीई का जो एज होना चाहिए 1 जुलाई 2017 के बाद आपके बच्चे का जन्म होना चाहिए और 31 दिसंबर 2018 के पहले का जन्म होना चाहिए। मतलब आप कैलकुलेट कर लीजिए, इन दोनों के बीच में आपके बच्चे का बर्थ डेट आनी चाहिए। उसका एज होता है 6 ईयर्स, अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 7 साल 5 महीने और 30 दिन के बीच में आपके बच्चे की डेट होनी चाहिए। और ये सारी की सारी डेट जो भी कैलकुलेट होती है वो 31 दिसंबर 2024 तक कैलकुलेट होगी। आपका बच्चे का एज 31 दिसंबर 2024 तक कैलकुलेट होगा। ये सारी डेट्स अभी तो आई हुई है, ये 2024-25 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और एडमिशन करते वक्त आपको कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो मैंने फाइल डाउनलोड की है ये आरटी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है। हालांकि इसमें ईयर 2023-24 लिखा है, मगर 24-25 के लिए भी यही सेम रहेगा। अगर आप आरटी 2024-25 के लिए भी यही डॉक्यूमेंट का नोटिफिकेशन होगा, सबसे बेसिकली आपको बता दूँ कि आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी लगेगा, और दूसरा बच्चे का आधार कार्ड ये भी कंपलसरी लगेगा। अगर आप कैटेगरी में हो, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, एसबीसी, अगर आप इन कैटेगरी में हो तो आपके बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट। बट अगर आपने बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया होगा तो फादर का कास्ट सर्टिफिकेट भी चलेगा, बट बाद में आपको बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। अभी तक तो एप्लीकेशन शुरू नहीं हुए, अगर आप निकाल सकते हो बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट तो जल्द से जल्द निकाल के रखिए। और अगर आप ओपन कैटेगरी में हो, मतलब आपको कोई भी आर्थिक दुर्बल घटक में आते हो, तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया है कि आपका इनकम एक ओपन कैटेगरी के लिए आपका इनकम 1 लाख से अंदर होना चाहिए। और वो आपको तो दाखला है, वो आपका ITR भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, आपको वो तलाटी का दाखला भी नहीं चलेगा, आपको तहसीलदार का दाखला चाहिए, तहसीलदार का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। वो आप जल्द से जल्द निकाल लीजिए, क्योंकि वो जो उसका एप्लीकेशन के बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन की डेट चाहिए उस सर्टिफिकेट पर, वो 1 लाख के अंदर चाहिए। अगर आप उसके बाद में बहुत से क्राइटेरिया है उनके, मतलब एक 5 क्राइटेरिया तो है ही एक कैटेगरी वालों के लिए, समझ लो दिव्यांग बालक हो गए, स्पेशली एबल्ड अगर चाइल्ड होगा तो उसके लिए भी है, उसके लिए भी ये सारे के सारे ये प्रायोरिटी होती है। जो लॉटरी का सिलेक्शन होता है उसमें ये प्रायोरिटी होती है, जैसे HIV बाधित हो, अगर ये नया ऐड किया हुआ है उन्होंने कि अगर कोविड में किसी के माता का देहांत हुआ हो या किसी के पिताजी का देहांत हुआ हो या दोनों का देहांत हुआ हो तो उन बच्चों को भी प्रायोरिटी पहले मिलेंगे, और अगर वो सारे बच्चे ऑर्फन मतलब अनाथ हो तो उनको भी प्रायोरिटी मिलेंगे। बट रिगार्डिंग दिस वो सारा डॉक्यूमेंट आपको जमा करके रखना पड़ेगा। अगर
किसी के माता पिता कोविड में डेथ हो गई होगी तो उसका डॉक्यूमेंट लगेगा आपको कि इनका कोविड से डेथ हुआ है, तो वो प्रायोरिटी आपको मिलेंगी। बाकी सारे डॉक्यूमेंट इस नोटिफिकेशन में, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में से आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हो, या फिर आरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है, क्या क्या चाहिए। सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है कि आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड तो चल जाता है, बट अगर आधार में और आपके रहते हुए एड्रेस में अगर मिसमैच हो तो उसके लिए उन्होंने बाकी के डॉक्यूमेंट भी दिए, जैसे रेशन कार्ड आप जा रहे थे वही का होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से जो भी आप एड्रेस प्रूफ दोगे इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपके पास चाहिए, या तो रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, पानी पट्टी का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी का अगर टैक्स का आपको रिसिप्ट होगी तो टैक्स की रिसिप्ट, या फिर आपका नेशनलाइज्ड जो बैंक है उसका पासबुक जिसमें आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए वो भी चलेगा, आपका वोटर आईडी भी चलेगा, पासपोर्ट भी चलेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी, एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट तो देना है कंपलसरी। अगर आधार कार्ड हो तो बस वही एड्रेस प्रूफ है, बट अगर एड्रेस में मिसमैच है तो बाकी आपको दूसरा डॉक्यूमेंट भी वहां पर देना ही पड़ेगा। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आरटीई की जगह कम हो चुकी है, अभी ये 100% श्योर नहीं बोल सकते क्योंकि 9 फरवरी को एक गवर्नमेंट का जीआर आया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये जीआर ही है, ये आप देख लीजिए, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जीआर ऐसे बताता है कि परंतु असे की महाराष्ट्र बालकांचा मोफत सक्तीचा शिक्षण हक्क वंचित दुर्बल घटकातील बालकांचे इयत्ता पहिली किंवा पूर्वी प्राथमिक वर्ग स्तरावर कमीत कमी 25% प्रवेश घेण्यासाठी करण्याची पद्धती नियम 2013 नुसार वंचित व दुर्बल घटकांतील 25% प्रवेशकर्ते ज्या खासगी विनादानी शाळेच्या 1 किलोमीटर परिसरात शासकीय शाळा व अनुदानित शाळा आहेत अशा शाळा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निवडण्यात येणार नाहीत। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जहां रहते हो उसके 1 किलोमीटर रेडियस में अगर गवर्नमेंट स्कूल हो और प्राइवेट स्कूल भी हो, तो अगर गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पर अवेलेबल है तो उस प्राइवेट स्कूल का सिलेक्शन ही नहीं होगा, मतलब वो जो स्कूल है आपको अप्लाई करने के लिए आएंगी ही नहीं। बट इससे तो जगह कम हो गए, बट इसे हम 100% श्योर नहीं मान सकते क्योंकि इन्होंने इस जीआर में ये नहीं बताया कि स्कूल मराठी होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, ताकि जैसे कि सारे के सारे जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने के लिए आरटी से एप्लीकेशन करते, बट जो जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल है वो सारे के सारे नियर अबाउट 90% स्कूल मराठी है। अगर मराठी स्कूल होगी तो वो शायद ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, शायद मे बी, मैं ये 100% नहीं बता सकता, बट जब भी आपका एडमिशन की प्रोसेस चालू होगी तब ये हमें क्लेरिफाई हो जाएगा। अगर वो स्कूल हमें बताती है एप्लीकेशन करते वक्त तो फिर ये मैं जैसे बोल रहा हूँ कि वैसे ही होगा, और शायद से वैसे ही होगा, वरना अगर वैसा देखा जाए तो म्यूनिसिपल में जेडपी के स्कूल तो सब जगह होते, तो फिर तो आरटी का मतलब ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं होगा। ये बाकी सारे अफवाह फैला रहे, जब तक एप्लीकेशन शुरू नहीं होते तब तक आप निश्चिंत रहिए, एप्लीकेशन शुरू होने के पहले आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखिए क्योंकि एट द टाइम डॉक्यूमेंट जल्दी, ये सारी बातें जब एप्लीकेशन चालू हो जाएगा तब हमें क्लेरिफाई हो जाएगी, तब तक आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए, डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए क्योंकि 15 दिन का ही टाइम मिलता है, 15 दिन में एप्लीकेशन पूरे की तरह से कंप्लीट करना होता है। वो जब देखेंगे, जब स्कूल में एडमिशन चालू हो जाएगी, वो स्कूल आती है या नहीं आती है लिस्ट में, वो तब पता चल जाएगा। अभी कुछ भी 100% नहीं बोल सकते कि जगह कम होंगे या बढ़ जाएंगे, ये एक नया अपडेट है, ये तो अभी चालू होने के बाद बताएंगे। बाकी ये सारे जितने भी तीनों फाइल है इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जब वेबसाइट चालू हो जाएगी फर्स्ट डे जब मैं तो डेली चेक करता हूँ, जिस दिन चालू हो जाएगी आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, इसका टोटल डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उस पे से वीडियो देख सकते हो और आपको पता चल जाएगी कि एप्लीकेशन करना कैसे है। उसमें बहुत एप्लीकेशन करने में बहुत सी बातें, मैं लास्ट 5 ईयर से एप्लीकेशन कर रहा हूँ आरटीई के, मेरे इधर बहुत से लोग आते हैं आरटीई के एप्लीकेशन करने के लिए, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है। उसमें आपको गूगल मैप से कैसे आपकी लोकेशन निकालनी है, कैसा क्या करना है, वो सारा का सारा एक वीडियो में मैं आपको बना के डाल, आप वो वीडियो देख लेना जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी तब। अभी तो स्कूल का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, बाकी जितने आपको डॉक्यूमेंट बताए जो कैटेगरी में आप आते हो वो सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखिए, और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।